उद्धव चरित्र की ओर हम प्रस्थान करें। अल्प में कहूंगा, कन्हैया मात्र 11.5 वर्ष तक ब्रज में रहे और 11.5 वर्ष के बाद मेरे गोविंद मथुरा गए और मथुरा जाकर कंस को समाप्त किया और कंस को समाप्त करके सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से छुटकारा दिलाया, मुक्ति दिलाई और अपने नाना को भी कारागार से निकालकर उन्हें राजा बनाया मथुरा का, उग्रसेन जी को। लेकिन अब कन्हैया ब्रज में वापस नहीं गए और ब्रज में जब वापस नहीं गए तो मथुरा में ही रह गए कन्हैया। और जब तक कन्हैया मथुरा में रहे तब तब मेरे कृष्ण को याद आती रहती है उस ब्रज की। एक दिन की बात है, मेरे गोविंद मथुरा की अट्टारिका पर अर्थात महलों की छत पर खड़े थे और महलों की छत पर खड़े होकर मेरे गोविंद ब्रज को देखे जा रहे हैं और ब्रज को देख देख कर ब्रजवासियों की याद कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रसंग यहां से विरह का है, प्रेम का है, आप लोग इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान लगाकर सुनो। लोग कहते हैं ना ब्रजवासी ऐसे होते हैं, ब्रजवासी ऐसे होते हैं, ब्रजवासी सिर्फ कृष्ण को प्रेम करने वाले होते हैं और वो ब्रजवासी कृष्ण के विरह में तो पूरी दुनिया रोती है लेकिन सिर्फ ब्रजवासी ऐसे हैं जिनके लिए मेरा गोविंद रोता है, जिनके लिए मेरा कृष्ण रोता है। मथुरा की छत पर खड़े होकर मेरे गोविंद ने जब ब्रज की ओर आंखें की तो ब्रज की तरफ देखते ही मेरे गोविंद के नैनों से आंसुओं की धारा बह निकली और कहने लगे, न जाने मैंने कौन सा अपराध किया जिसकी वजह से मैं ब्रज से बाहर हो गया। श्री राधे, मैंने कोई ना कोई अपराध तो जरूर किया होगा क्योंकि बिना अपराध के आप किसी को ब्रज से बाहर नहीं करते। मैंने सुना कि ब्रज में आपकी कृपा के बगैर कोई एक पल नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रह सकता। श्री राधे, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आपने मुझे ब्रज से निकाल दिया? मैं तो हमेशा आपके ब्रज में रहना चाहता था, चाहता हूं। श्री राधे, आपको जो करना है करिए लेकिन मुझे उस ब्रज में पुनः प्रवेश कर। श्री कृष्ण राधा नाम ले लेकर रो रहे हैं, मेरे प्रभु गोविंद नाम ले लेकर रो रहे हैं। श्री राधा नाम, श्री कृष्ण राधा रानी का नाम ले लेकर रो रहे हैं, ब्रज को ब्रजवासियों को याद कर करके रो रहे हैं। उसी समय उद्धव आए, उद्धव ने देखा कृष्ण के दृगबिंदु भरे हैं, सजल नयन देखकर उद्धव ने पूछा, क्या हो गया कृष्ण, क्यों रोते हो? तब कहते हैं मेरे गोविंद, मेरे प्रभु, हे उद्धव, आज ब्रजवासियों की याद आ गई, आज ब्रज की याद आ गई, आज मैया की याद आ गई, बाबा की याद आ गई। सबकी याद आ गई तो
मैया का वो माखन निकालना याद आ गया। उधो में सोम तो रहो, उठाए के सबसे पहले मेरे मुख दुख के कई लाला ले माखन खा ले। यहां सब राजा कहवे बारे हैं, महाराज कहवे बारे हैं, लेकिन कोई भी कन्हुआ कहवे बारे हैं, कोई भी लाला कहवे बारे हैं, बाबा नंद दिन अपने कंधा पे बैठा के घुमायो करो, कहो करो मोते आज में तुमको अपने कंधा पे बैठा रहे हो। जब मेरे कंधा झुक जाए लाला, वास में तुम्हें सारो बन जाइ। लेकिन दाव मैं बाबा को सहारो तो नहीं बनो, बल्कि वाके कंधान को जल्दी झुकाए के तैयार। बाबा को सहारो नहीं बने, बहुत याद आवे, बहुत बोले। ब्रह्म की याद में रोते हुए तो बहुत देखे, लेकिन ब्रह्म को किसी की याद में रोते हुए पहली बार देखा। मैं देखना चाहता हूं उन प्रेमियों को, उन ब्रजवासियों को जिनकी याद में आप इतना रोते हो, मैं देखना चाहता हूं। और एक बात, आप मत रोया करिए। बोले ब्रजवासी रोना अगर बंद कर दे मेरे विरह में, तो मैं उनके विरह में रोना बंद कर दूंगा। बोले ठीक है, मैं आज जा रहा हूं ब्रज, उनको ऐसा ज्ञान देकर आऊंगा, ऐसा ज्ञान देकर आऊंगा कि आपको वो कभी याद नहीं करेंगे, कभी याद। बोले ठीक है, जाओ उनसे कहो कि वो मुझे भूल जाए। कृष्ण ने अपनी पीली पीताम्बरी पहनाई, अपना ही मुकुट पहनाया, अपना ही वो रथ प्रदान किया जिस रथ में श्री कृष्ण को लेकर अक्रूर आए थे। अभिमानी उद्धव मथुरा से वृंदावन की परिधि में प्रवेश कर रहा है, सोच रहा है कि मैं अपने ब्रह्म ज्ञान से सभी ब्रजवासियों के विचारों को बदल दूंगा। लेकिन ये क्या जाने प्रेम किसको कहते हैं। अभिमानी ज्ञानी प्रेम की परिभाषा नहीं जानते, ये तो बस अपनी मैं में ही जिंदा रहते हैं। जैसे ही मथुरा की सीमा को लांघा और वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया उद्धव ने, तो वहां की सीमा ने अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया, अपना स्वरूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे मथुरा की सीमा को छोड़ा,
और ब्रज की सीमा में प्रवेश किया। उस ब्रज के वृक्षों ने भी अपने प्रेम का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। साव कन्हैया से सिर्फ ब्रज के मानव ही प्यार नहीं करते, कन्हैया से ब्रज का एक एक पत्ता एक एक कण कृष्ण से प्यार करता है। और प्रेम की दशा को तो कोई प्रेमी जाने, अभिमानी कैसे है।